नमस्कार, सीजी 24 न्यूज में आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं कुछ खबरें मुंबई से। मेरा नाम समर शेख है। आज कौन सा प्रोग्राम आप हॉल में कर रहे हैं? आज यहाँ पर मैं एक छोटा सा इवेंट लगाया जो कि हर साल मैं रखता हूँ, बच्चों के लिए रखता हूँ। मैं हर साल मैं हूँ और ये और तुषार बंगे करके हैं, रखते हैं हर साल। तो पिछले काफ़ी 2.5 सालों से हुआ नहीं था ये कोविड की वजह से। तो कोविड की वजह से जिस तरह मैं नहीं, पूरा देश, पूरा इंडिया परेशान था। अब जिस तरह जैसे जैसे लेवल खुल रहा है, जैसे जैसे आप सब लोग को आसानी हो रही है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है, बच्चों को इसी तरह जो बच्चे का काम मतलब भेजा से रुका हुआ था, अब वो उनको करना चाहिए। तो मैंने इसीलिए अब यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। तो बच्चे जैसे हर साल करते थे, इसके पहले भी 8 साल से 9 साल से करते आ रहे हैं, तो इस बार भी मैंने आज 26 तारीख को मैंने ये अरेंज किया है। तो इसी यहाँ पर हमने कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसके अंदर बच्चों के लिए बच्चे वहाँ पर एक्टिंग करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, तो उनमें से फिर उन बच्चों को मैं सिलेक्ट करके आगे भेजता हूँ। ये ऐसा मैंने यहाँ पर कार्यक्रम आप ढाई साल काफ़ी मुश्किल भरा रहा है, काफ़ी गैप के बाद दिखे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस दौरान में? क्या कहेंगे आपको इस दौरान क्या क्या? इस दौरान तो बड़े से बड़े एक्टर, बड़े बड़े सिंगरों का उनका भी तो पता पता कुछ स्थान है। तो मैं तो अभी फिलहाल तो अभी जो मेरा दोस्त आ ये तो कोई बोलने बात नहीं कि कैसा रहा कैसा रहा। इससे आप सबको पता है कि कोविड में हर एक इंसान मतलब बड़े से बड़ा, चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना छोटा हो, हर एकदम मतलब ऐसा गुजरा है कि आपको मैं बता नहीं सकता, आप खुद जानते हैं कि कैसा गया होगा। तो उसी तरह जिस तरह लोगों, नॉर्मल लोगों ने, जिस तरह लोगों ने लाइफ गया, उस तरह मेरा भी नॉर्मल जिस तरह है, और कैसे बीता वो तो मैं बता नहीं सकता। मेरा तो छोड़िए, मेरे से कुछ कुछ लोग है जिनकी कैप्सी नहीं है, जो बेचारे गरीब है उनका तो क्या हुआ रहेगा, उनका तो पूरा इंडिया जाता है। अभी आपके कौन से एल्बम भी आने वाले हैं उसके बारे में बताएँ, कौन सिंगर है, कौन एक्टर है? हाँ, एक एल्बम मेरी आने वाली है, एल्बम का नाम है इश्कानो, एल्बम का नाम है इश्कानो, जिसका सिंगिंग जिस उसके अंदर जितने भी गाने हैं उस एल्बम का सिंगर मैं हूँ। उसमें बड़े बड़े एक्टर भी हैं मार्केट के। कुछ ही दिन में इसका वीडियो शूट स्टार्ट हो जाएगा, ऑडियो लगभग शूट रिकॉर्ड हो चुके गाने। कोविड की वजह से मेरा जो गाना आना था एल्बम 2 साल पहले 1.5 साल पहले आज आना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से मेरा नहीं आया। तो बताया ना कोविड में मतलब कितना लोगों को प्रॉब्लम हुआ, उसमें मैं भी था, मतलब मैं क्या पूरा इंडिया था। तो जिस वजह से मेरा एल्बम नहीं आ पाया है, वो अब चालू होगा, जिस कंपनी ने भी एग्री कर दिया। इसके अलावा जो है नहीं, देखिए जैसा है कि एक फिल्म आई थी रक्तदान, जिसके डायरेक्टर थे अजीत वर्मा, इनकी फिल्म आई थी, ऑपरेशन मुंबई पे आई थी, 26/11 पर फिल्म आई थी ऑपरेशन मुंबई, इनके डायरेक्टर रह चुके हैं वो। और उनकी फिल्म में मैंने गाना गया था, जिसके अंदर मैं और शाहिद मलिया और फलक मुच्छल जी भी थे इसके अंदर। तो किसी वजह से गाना, पिक्चर तो आ गया थिएटर से, लेकिन किसी वजह से क्या हो गया कि प्रोड्यूसर और एक्टर में कुछ आपसी मतभेद हो गए, जिसकी वजह से तो गाना पिक्चर थिएटर से कहीं निकल, तो उस वजह से उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाया। इसके अलावा ये जो आपका म्यूजिकल प्रोग्राम आज का रहा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या नाम है, प्रोग्राम का आपका नाम क्या रहता है, तो किस तरह का अरेंजमेंट होता है इसमें? देखिए ये है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जिसके अंदर क्या है कि हर बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे मतलब जितने भी उनके अपने अंदर के टैलेंट को ऑडियंस के सामने रखते हैं कि हम क्या है, हम बच्चे हैं, मतलब स्टेज पर भी ये क्या है कि हर कोई लेने को अवेलेबल होता है स्टार्टअप थिएटर के थ्रू। थिएटर आर्टिस्ट धीरे धीरे फिल्म सिनेमा बड़े एक्टर बनते हैं, सब यहीं से निकल के बनते हैं, थिएटर से बनते हैं, ऐसे भी अचानक से गरीब के बनने जाता। वो एक टाइम था कि जिस टाइम पर लोग आजकल थोड़ा एक्टिंग कर दिया और आगे चले गए, थोड़ा गाना गा दिया और उनको ले लिया वहाँ वहाँ चले गए, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब जिस टाइम ऐसा कि ये एकदम आसान नहीं है, मैं खड़ा हूँ तो मेरे पीछे लाखों लोग की लाइन खड़ी है, मेरे आगे भी उतने खड़े हैं, तो उसमें से मैं निकलूँगा नहीं निकलूँगा ये जरूरी नहीं है। तो मेरा चला कर लाइव देखा जाए तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है।
मफी लहरी भी पिछले दिनों मफी लहरी की विजय हो गई, क्या कहेंगे? कभी उनसे मुलाकात हुई, आपके कॉन्टैक्ट में थे? मफी लहरी जी मेरे कॉन्टैक्ट में थे पहले से, उनसे भी मेरा अच्छा कॉन्टैक्ट था। किसी वजह से जब उनका जो अभियान हुआ गया वहाँ पर, लेकिन क्या कि ज़्यादा टाइम दिया नहीं क्योंकि कोविड का चल रहा है, तो काफ़ी उनसे मेरा अच्छा रिश्ता रह चुका है। माना मतलब अच्छे मेरे बातचीत थे उनसे, उनके घर आना जाना था मेरा, जानते थे मुझे, एक परिवार जैसे रखते थे वो, उनका एक परिवार भी अच्छा था। तो आज मात्र सिर्फ उनका फ़ोन में सिर्फ एक कॉन्टेक्ट ही रह गया मेरा मेरे साथ, और उनके साथ कुछ रह नहीं गया। जितने भी कॉन्टेक्ट, जितने बातें मेरे होती थी वो सब आज भी वैसे पड़े हुए हैं। अच्छा रहा है उनको, मैं उनसे ऐसा अपना चाहूँगा कि मैं उनकी तरह बनूँगा, मेरी इच्छा के बारे में। लता दीदी आप हमारे बीच नहीं रहे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनके गाने आप कितने सुनते रहेंगे या कितनी प्रेरणा है? उनकी प्रेरणा देखिए, उनसे तो हर बच्चा बच्चा वाकिफ है, जिन्होंने उनका जो एक सॉन्ग है नाम गुम जाएगा, वो सच में ऐसा है कि वो नाम सच में मतलब मैं कुछ उसके लिए वर्ड नहीं मुझे बोलने के, उन्होंने जो काम करके उन्होंने जो गए उन्होंने सच में गाना कि मेरी आवाज ही पहचान है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गया। तो उनका सॉन्ग था जो कि आज भी दिल को जम छू जाता है। इसके बारे में जितने भी तारीफ करूँ वो कम है। लता जी दीदी जो हमारे बीच में अभी ज़्यादा भी समझ नहीं है वो नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे बीच में हमेशा थी और हमेशा रहेंगे। हमारे नए बात थी, उन्होंने ऐसा काम किया कि मतलब उनके जब गाने सुनते तो ये जब रोए हमारे तुम खड़े हो, जिस तरह उनका रहा है ना वो, उनका जो बोलते हैं उनकी जो जर्नी रही ना वो, उनके हम लोग कुछ भी नहीं है, हमारे पास आज कम से कम चलो खाने के लिए अच्छे कपड़े, मतलब खाने के लिए अच्छे खाने हैं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, हम लोग कहीं आ जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम उनका उनके पास ये सब कुछ भी नहीं था। उन्होंने यहाँ पे मतलब गर्दन के यहाँ तक पानियों में उन्होंने चल चल कर उन्होंने अपने ऐसा दिन निकाला पानियों में। अरे रेल बात है, उनके देश में एक और महामारी आई थी, उन्होंने उसमें भी उन्होंने लोगों की सहायता की, इसके अंदर उन्होंने बहुत किया। और जब भी उनका गाना रिकॉर्डिंग जब कुछ रहता था तो जब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने बताया था कि मैंने किस तरह मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था। हर कोई मैं तो बोलता कि इम्पॉसिबल है कि ऐसा कोई आना नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। जो थे अब वो तो वैसे तो कभी नहीं आएंगे, उनके जैसे शायद कोई आ जाए, उनको कॉपी करके कोई आ जाए तो आ जाए, लेकिन अब मुश्किल ही कोई उनके जैसा आ जाए, या कोई दूसरी लता कोई बन, लता जी बन पाए, दूसरे किशोर का कोई बन पाए, कोई नहीं बन सकता। अपने एल्बम के जरिए आप नए लोगों को भी मौका देते हैं? एल्बम के जरिए देखिए, अब कुछ लोग हैं जिनको चाहते हैं कि वो हम आगे जाए, तो मैं नहीं चाहता कि जिसके थ्रू लोगों को नहीं मिला मौका, किसी में टैलेंट है अगर तुम्हारे पास, अगर टैलेंट है तो क्यों ना आगे जाने मौका मिले। मैं भी ऐसी जाता हूँ, मुझे भी नहीं मिला था, मुझे भी किसी ने मौका देता क्यों देंगे, क्योंकि हमारे ऐसे लाखों पड़े, तुमको मौका क्यों देंगे, तुम कौन हो? मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग पड़े, तो जैसा मेरे साथ हो वैसे और लोग के साथ ना हो। मैं 100 को नहीं कम से कम एक को तो बना सकूँ, एक को भी अगर मैंने बनाया तो मानूंगा मैंने कि कुछ तो किसी को नहीं बनाया। कैरियर कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू, जर्नी कैसे शुरू हुई, और एक्टिंग लाइन में कैसे आया, या थिएटर कैसे आपने शुरुआत की, इतने बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपने कहाँ से सीखी एक्टिंग, उसके बारे में थोड़ा सा जर्नी के बारे में आपने बताया कैसे शुरू हुआ? देखिए जैसे कि इनके पास था, जैसे इनको सपोर्ट मैं और जिन हम जिन और एक सर पास आ करके हम लोग जैसे इन बच्चों का सपोर्ट करें, ऐसा सपोर्ट हमको नहीं मिला। स्टार्टिंग हमने बहुत देखा, और जैसे कि आप जानते हैं फिल्म में जिसकी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग जो बेवकूफ बनाने के लिए बैठे, तो इसी तरह मैं भी दो चार लोगों का शिकार हुआ। फिर मुझे समझा कि नहीं यार, फिर मुझे समझा कि जिस तरह
ये लाइन जितनी सीधी है उतनी सीढ़ी भी है, सही है। अब जो एक आर्टिस्ट है उसको तो आर्टिस्ट को तो आगे जाना ही पड़ेगा, अच्छा वो दिक्कत कैसे मेरे कुछ भी उसको आगे जाना ही पड़ेगा। तो उसी वजह से मैंने सोचा कि जो चीज़ मुझको नहीं मिला, जिस वजह से मुझको नहीं मिल पाया, अगर मुझसे कुछ हो सके तो मैं उन बच्चों को मैं आगे भेज सकूँ। तो इसलिए मैंने आज यहाँ पर कुछ किया है, मैं हर साल करता हूँ, इस साल भी किया लेकिन ढाई तीन साल से नहीं हो पाया। और रही बात मेरी, तो मैंने स्टार्टअप ऐसा किया था कि जैसे कि नॉर्मली पहले मैं स्कूल में क्लासेस में स्कूल में या बाकी इंटरवल्स कॉम्पिटिशन में गाने लगा, गाते गाते फिल्म गाते गाते हिस्सा लिया। और भी मतलब कि टोटल 20-22-25 मतलब मुंबई के जितने कॉलेज है उन सबको हराया, हरा के फिर मैं टॉप लेवल पर आगे आया। बैकग्राउंड मेरा देखा जाए तो मैं उनको हरा के फिर मैं आगे आया। और आने के बाद में फिर जो जो ज्ञान मुझको नहीं था वो मैंने सीखा, जावेद अली सर से मैंने सीखा है, इनसे मैंने सीखा है, पहले उन्होंने मुझे सिखाया है। और सीखने के बाद में फिर मैंने कहा ठीक है, तो उनके पास सीखा टाइम है नहीं कि लाइफ टाइम तो सिखाते बैठेंगे उनको, तो इसलिए मेरे आर्टिस्ट है। जैसे कि उनके अभी फिलहाल उनका एक गाना चल रहा है और गाना फेमस है, जैसे कि तेरी झलक का सेल्फी है ना, गाना बहुत फेमस है, ठीक चल रहा है। तो उन्होंने मुझे गाना जिस तरह से सिखाया था आज उन्हीं के सिखाए हुए कदम में चल रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार उनके साथ में लेवल में खड़े हूँ कि उनके साथ में एक मेरा जो ऑडियो आए उनसे मेरा अच्छा पहचान है। उन्होंने उसको ढाई तीन साल से सिखाया भी है, काफ़ी अच्छे भी हैं। लेकिन आजकल क्या है कि टाइम बदलता है ना, तो जैसे जैसे टाइम बदला वैसे वैसे मेरे साथ में शाहिद माल्या, मैंने और शाहिद माल्या ने हम दोनों ने एक साथ में जनरल सीखा था, स्टार्ट किया था। तो एक डायरेक्टर हैं सुधाकर स्नेह करके, तो यही रहते कहानी। तो शाहिद माल्या ने, मैंने और शाहिद माल्या ने हम दोनों ने स्टार्टअप उनके पास से किया था सीखने का। तो आज शाहिद माल्या तो फिलहाल बहुत टॉप का, क्योंकि उनकी फिल्में चल गई, गाने निकल गए, आज ऊपर चले गए। लेकिन मेरी किसी वजह से गाने नहीं आने की वजह से ऊपर ऊपर टॉप नहीं, शाहिद माल्या जी ऊपर चले गए, नहीं नहीं ऊपर नहीं चले गए, मतलब मैंने मतलब है कि है वो लेवल होता है ऊपर, मतलब आगे चले गए वो और मैं रह गए नीचे। और ऐसा नहीं कि हम दोनों ने साथ में ही सीखा था, जो क्लास में हम दोनों मैं और शाहिद माल्या दोनों साथ में क्लास करते थे, तो किस वजह से मैंने बीच में ध्यान देना छोड़ दिया। और इससे पहले मुझे इस लाइन के लिए मुझे घर से मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, क्योंकि हमारे में ऐसा गाना बिना बिल्कुल नहीं बढ़ी थी डर के। मुझे फ्रेंड्स दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया था, जाकर मैं करते करते आज आगे आया। और उसके बाद फिर वाकई में घर पर मालूम पड़ गया कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। लेकिन इतना है, जब तक मुझे घर का सपोर्ट नहीं मिला तब तक मैं आगे नहीं गया। आज घर का सपोर्ट मिलने के बाद ही मैं आगे गया और मुझे जावेद अली सर ने मुझे गाना सिखाया। और सिखाने के बाद में आज मेरे गाने आने वाले हैं जी म्यूजिक कंपनी से, 30-30 से, जो कि 5 से 6 गाने हैं। चाहता हूँ कि गाना हिट जाएगा, गाने चाहिए तो मैं 2 लाइन आपको गाने गाता हूँ। तो मैं उसमें से 5 गाने में से एक गाने का आपको 2 लाइन घोषणा के आपको मैं सुना देता हूँ। ये है तो मैं गाना शेयर करता हूँ आप लोगों को 2 लाइन में आपको सुना। भी है तुझ में वो जहाँ की कमी बन गई तू मेरे आसमां की, अनजान था मैं खुशियों से अपने तू बन गई मेरी रहनुमासी। तुझसे मिला वैसे कदर जैसे परिंदे को मिल गया हो घर, तो जुड़ने लगा हूँ अपने खुदा से जब से रखा तेरे कांधे पे सर। यूँ सारे जहाँ से होके बेगाना तूने बनाया मुझे इश्काना। बहुत अच्छा, ये मैंने जो आज कार्यक्रम रखा हुआ मैंने और तुषार
तो पीयूसी कार्यक्रम के एक दो छोटे से कलाकार हैं, तो उनको छोटे उनको छोटा सिर्फ ये नाम के कहने के और दिखने छोटे हैं तो बड़े कलाकार हैं। अभी इनके बोली से सूरत में मत जाइए कि कैसे क्या है कि दिख रहे हैं, जो जितने शांत खड़े वाले लोग हैं ना, ये एक बार जिस स्टेज पर कदम रखते हैं ना तो मतलब कि स्टेज समझो कि हिला देते हैं, ये ऐसे लोग हैं। तो आप बताओ आपका नाम बताओ, क्या डांसर हो आप? मेरा नाम मीरा जादो है। मैंने एक रात इस सब ये जो सब नाटक है इसके मैंने प्रैक्टिस किया था, और जब भी मेरा स्कूल होता है ऑफलाइन या ऑनलाइन तब भी मेरा स्कूल खुलने के बाद मैं प्रैक्टिस। मेरा नाम हर्ष विशाल कर है और मैं भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। हम लोग हमारा जो क्लास है उधर पे हम लोग जाते हैं तो तभी हम प्रैक्टिस करते हैं, और आज हमें इतना बड़ा चांस ले दिया है तो उसके लिए हम लोग थैंक यू करना चाहेंगे। क्योंकि हम लोग पहली बार स्टेज पे आए हैं, मेरे को पहली बार ही आया था क्योंकि मेरा शूटिंग चालू होने वाला है ना, इसलिए आज मैं फर्स्ट टाइम आया। और ये बच्चे ऐसे हैं ना कि इन्होंने बहुत सारे सीरियल किया हुआ है, इन्होंने बहुत सारे मराठी सीरियल किया हुआ है, एक आध हिंदी भी किया उन्होंने, मतलब जैसे कि एक सीरियल मराठी सीरियल है माजी दीदी जिसमें डार्क सीरियल है परी करके है। और किया ऐसे बहुत सारे सीरियल जिनमें इन्होंने एक्ट किया हुआ है, और भी एक्ट करेंगे, और जिस तरह पे इनकी मेहनत है मुझे लग रहा है कि दिन और आगे जाएंगे, तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि इनके पेरेंट्स का इनका बड़ा सपोर्ट इनके पेरेंट्स का है। डिफरेंट होता है ना कैमरे के सामने, मेकअप होता है हैप्पी फील हो रहा था, मैंने एक फर्स्ट टाइम किया था। अच्छा पहली बार ही किया। आप लोग ये भी जानते होंगे कि मीडिया आती है तो सवाल करती है कि आप पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो, सब इन सब पढ़ाई क्या चलती है हमारी कैसे चलती है, कैसे करते हो पढ़ाई? अभी हमारा कुछ होमवर्क भी रहेगा तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। आप कैसे मैनेज करते हो पढ़ाई? कर लेते हैं जैसे कर दो चीज में आपको चूज करना हो, एक्टिंग करना या पढ़ाई करना, तो दोनों में से क्या चूज करोगे? एक्टिंग ना, दोनों ही तो करना पड़ेगा। दोनों करना पड़ेगा, वेरी गुड। आगे क्या बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? आईपीएस ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। किसको लाइक करते हो बॉलीवुड में, कौन स्टार है जो आप उसको लाइक करते हो? शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अजय देवगन। क्या अच्छा लगता है अजय देवगन? अजय देवगन की जब वो फिल्म आई थी सिंघम, तो वो देख के मुझे मतलब ऐसा लगता था कि मैं एक्टर बन सकता, तो इसीलिए मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, इसलिए अजय देवगन से मुझे बहुत। और काजोल में पसंद है? काजोल इस नाटक में आप क्या कर रहे हो, क्या किरदार कर रहे हो, और क्या कुछ कहना चाह रहे हो, कितने एक्साइटेड हो इस नाटक को लेकर? मेरा नाम कृणाल जयंत यादव, मैं इस नाटक में, तीन नाटक हैं हमारे और उन तीनों नाटक में मेरा मेन रोल है, और मतलब मेरे को ये क्लास, मैं मेरी फर्स्ट सीरियल की शूट थी ना तब मुझे मिली, तो ये क्लास बहुत अच्छा है और इस क्लास के वजह से हम लोग को बहुत अच्छा एक्टिंग में स्कोप भी मिला है, और मेरे को आज तक 10 सीरियल्स और 2 पिक्चर मिले, इसीलिए मैं समझ सर और तुषार सर इन लोग का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए बहुत चालू लड़का है, आगे चल के बहुत चालू। वही तो एक्टिंग में क्या सिखाते, यही तो सिखाते हैं। हाँ हो बताओ बेटा, आपका नाम बताओ और इस नाटक में क्या करता है? मैंने
कुछ कुछ सीरियल्स की है। अभी मैं टाइम पास 3 मूवी में आने वाली हूँ, अभी तक वो आया नहीं है, मैंने वो आने वाला। आज कौन सा ड्रामा चल रही हुई यहाँ पे, क्या किरदार है आपका, ड्रामा कैरेक्टर क्या है? मेरा भी टीवी है, एक लालटेन और बाबा और बारी। वो कच्चा बादाम गाना आज देखा आपने, कैसा लगता है? अच्छा लगता है कच्चा बादाम? डांस किया कि नहीं, वीडियो बनाया कि नहीं उसने? हम लोग ने बबल्स में डाला, नहीं बनाया, उन्होंने किया बबल्स में डाला। अच्छा लगता है डांस करना, पढ़ाई करना अच्छा लगता है? डांस करना अच्छा लगता है। चलो ठीक है। मेरा नाम प्रियेश नामनाथ आवाड़ है और मेरे इस नाटक में तीनों नाटक में मैं एक नाटक में सेवक हूँ, एक नाटक में चेला हूँ और एक नाटक में मतलब इस मेन रोल का स्टूडेंट का दोस्त दिखाया हूँ और एक पापा दिखाया हुए। अच्छा, बिना हाथ पैर हिलाए कुछ बोल सकते हो आप? नहीं। मेरा नाम सोम रविंद्र तर है और मैं इस क्लास में पहली बार आया था ना, तब एक शूट हुई थी, उसका नाम टिक्का डांस टिक्का था, जी मराठी में टिक्का शॉर्ट फिल्म था, उसमें गया था और सर समत सर ने और तुषार सर ने मेरे को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि इनकी वजह से मैं इतना बड़ा मतलब नाटक कर रहा हूँ, सीरियल में जा रहा हूँ। कैमरे के सामने नाटक ही कर रहे हो? बोले बोले बोलते रहो बेटा, बोलते रहो। इसकी वजह से तुषार सर को और समझ सर को थैंक यू। स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम निशांत तुकाराम मानकर, मैं मुझे तुषार सर ने इस क्लास में और समझ सर और मैं ये नाटक से बहुत एक्साइटेड। क्या कर रहे हो, उसके क्या किरदार है तुम्हारा? बारे में मैं स्कूल में भी हूँ और खाने में भी हूँ और लालटेन में मैं मेन रोल का ये पॉजिटिव फ्रेंड हूँ। अच्छा, तो इस नाटक का कोई डायलॉग बोलना चाहोगे जो आपको पसंद हो, जो आपने किया है, आपने किरदार किया है? तो भाऊ त्यांनी सात आठ हाफ मर्डर केले होते, त्याच्या नादी लागू नको उभाराहून बोल। मैं ब्रांच से हूँ और समत सर और तुषार वांडे सर ने मुझे ड्रामा सिखाया। आज कौन सा रोल प्ले कर रही हो आप? कौन सा? मैं आप एक पात्री अभिनेत्री हिंदी में और मैं लाल बारी में स्टूडेंट और आजी का रोल कर रही हूँ। कौन डरी हुई? डराया है क्या समझ सर ने? आज के बोलो कैसा किरदार, कैसा है, कितना एंजॉय कर रहे हो आप, कितना एक्साइटेड हो कैरेक्टर को लेकर? बहुत एक्साइटेड और कोई टेंशन भी नहीं आ रही। नहीं, टेंशन तो दिख रहा है चेहरे पे, दिख रहा है पर आ नहीं रहा है। एक्टिंग करना पसंद है? अच्छा लगता है एक्टिंग करना? पढ़ाई करना वो भी अच्छा लगता है? क्या बनना चाहोगे आगे बड़ा होके? एक्टर कौन पसंद है आपको? एक्टर कौन सा पसंद है? आप बताओ सर, क्या नाम है आपका और क्या कर रहे हो यहाँ इस नाटक में और आपका किरदार क्या है उसके बारे में बताओ। उसमें किरदार कैसा है आपका, क्या है वो किरदार का नाम क्या है? उठने का, बैठने का, चलने का, है ना? कोई डायलॉग बोल के बताओ तो तुम्हारा किरदार क्या है? याद है डायलॉग बोलो भाऊ। वेरी गुड, आप बोलो बेटा अपना डायलॉग बोलो, क्या है डायलॉग आपका?
देवा पांडुरंगा वाचवरे दोन घास पोटी बी जाईना. वेरी गुड, वेरी नाइस. ओके, मेरा नाम आर्यन है और मैं मारी लालटेन बाबा में काम कर रहा हूँ. मेरा वारी में एक्ट है कि मैं एक काका हूँ और लालटेन में मैं चित्र घूमते हूँ. बाबा में लालटेन में ऐसा ऐसा कुछ करना है क्या? नहीं. अच्छा बोलो कुछ, आपका डायलॉग बोलो कुछ है, याद है आपको डायलॉग जो पसंद हो आपको? एक तू इतने बार कर ओके बाबा. माझं नाव सुषमा विजय देशमुख आहे और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ. मैं ठाणे ब्रांच से हूँ और मैं यह वाली एक नाटक कर रहा हूँ. उसमें मेरा अंदर लगता हूँ. और समझ सर के बारे में कुछ बताना चाहो? सर मेरे को अच्छे से पता है. पीछे खड़ा है इसलिए? सच में अच्छा सिखाते हैं मतलब? खाली एक्टिंग ही सिखाते हैं कि और भी ज्ञान देते हैं और भी अच्छी बातें बताते हैं अच्छी बातें सब सीखते हो? उनके जैसा बनना चाहोगे लाइफ? ओके थैंक यू. आप अपना नाम बताते हो? मेरा नाम है कृष्णा चंद्र. आप सिंगर हैं? नहीं मतलब सिंगर तो नहीं हूँ लेकिन मुझे सिंगिंग करना है. मुझे बड़े होकर सिंगर बनना है. लेकिन यहाँ पर ड्रामा कर रही हैं आप, नाटक में काम कर रही हैं? एक्टिंग और सिंगिंग दोनों कर रही हूँ. ओके, समझ जी के बारे में बताएं, समझ सर कैसे सिखाते हैं आपको? समझ सर अच्छा सिखाते हैं. मतलब वो अगर छोटी गलती भी होगी तो कुछ करते नहीं है, बस बोलते हैं और ट्राई करते हैं. तुम्हारे फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं एक नया कपूर. और एक्ट्रेस कौन है पसंद आपको? काजल. थोड़ा सा कुछ क्या कहिए हमें बताओ अभी जो आपने किया है अंदर? शड़कर एंड आई एम प्रिंसिपल ऑफ शैलेंद्र एजुकेशन सोसाइटी दहीसर ईस्ट मुंबई 68. क्या कहना चाहेंगे आप समझ जी के बारे में? हिंदी में बोल सकते हैं? समझ जी को हम नियरली लास्ट 4-5 ईयर्स से जानते हैं. हमारे स्कूल के लिए उनकी जो एंट्री हुई अलॉन्ग विद तुषार सर, वो अभी भी मुझे दिन याद है कि वो लोग दोनों आए, अप्रोच हुए, तभी हमारे प्रिंसिपल मैडम अलग थे और उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि बच्चों के साथ जो एक अच्छा कला गुण रहता है, उनके इंटरनल क्वालिटीज़ है कि जो एक्सपोज करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने हमारे बच्चों के लिए उपलब्ध कर दिया है. बहुत अच्छा लगा. और वो तभी से जो प्रक्रिया है, उनकी प्रोसेस है, वो शुरू होते रहे और इसका आज एक अच्छा आउटपुट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रबोधनकार ठाकरे में. बहुत अच्छा लगा. कैसा लगा ये बच्चों का ऊपर चल रहा है? हर एक बच्चा है ना, वो एक इनबॉर्न क्वालिटीज लेके ही आता है लेकिन जब भी उन्हें स्टेज मिलता है तो वो क्वालिटीज हम सब एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, सब हम लोग देख सकते हैं. वो प्लेटफॉर्म आज बच्चों के लिए मिला और बहुत अच्छा लगा कि पढ़ाई के अलावा बच्चे और बहुत कुछ कर सकते हैं. उनके अंदर जो टैलेंट है उसे हम लोग ऐसे एक्सपोज करते हैं. बहुत अच्छा उनको जो एक संधि मिलती है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें बच्चा बहुत फ्लोरिश होता है, ग्रो होता है.
और उसको मेंटली वो फ्रेश होता है कि अब मैंने आज पढ़ाई के साथ मेरे पास एक अच्छा टैलेंट भी है, तो बहुत अच्छा लगा। ये भी आपके स्टूडेंट रहे हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा बताओ आप अपने बारे में नाम। मेरा नाम वेदांत भगवान चंद, मैं दहसर इस पर रहता हूँ और शैलेंद्र एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ता हूँ। आज बहुत अच्छा आपको फर्स्ट प्राइज एक तरह से मिला है, क्या कहोगे, क्या रोल था आपका, क्या ड्रामे का नाम था? देव अरोला मेरा नाटक था, नाम का नाटक, तो उसमें मेरा मेन रोल था ऐसे बंडरी, बंडरी मेरा रोल का नाम था। और मतलब हम लोग जो नदी है चंद्रवाला उसके ऊपर ये नाटक भेज है, वो बहुत गंदी हुई है ना, तो उसको अच्छा करने के लिए, एक नुकसान के लिए एक नाटक बने। वो बहुत अच्छे है, मतलब वो मस्ती भी करते हैं और हम लोग के साथ अच्छे भी बिहेव करते हैं। आप क्या कहेंगे, कैसे उनका ग्रूमिंग हुआ और कैसे? अभी चार साल से ये लोग के साथ रहे हैं और फिर अच्छा करते हैं, मतलब वो लोग भी अच्छा पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। आपने स्टेज पे भी देखा, अभी उनकी परफॉर्मेंस कैसे लगा? कैसा लगा इनका, इनसे क्या कैसे सीखा आपने, कैसे गुरु उठाए? वो तो अच्छे ही सिखाते हैं, पर मस्ती मस्ती में भी बहुत अच्छी। समझ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? क्या है, सब स्टूडेंट हैं मेरे, तो सब ऐसे ही, अब इनको हम सबको एक ऐसी शिक्षा देते हैं। अब ये तो इनके ऊपर एक फोन आगे जाता है, एक ग्रेस है, जैसे कि विनर तो एक ही होता है, ये समझो ग्रेस है, जीत मानते थे उसको, जीता सिर्फ एक है। किस्मत ये नहीं कि जो नौ लोग हारे मतलब भागे नहीं, वो भी भागे थे, अब जो उसमें से तेज होगा वही जीत गया। बस यहाँ भी ऐसी कुछ चल रहा है कि हर कोई एक्टिंग फील्ड में आना चाहता है, जो जितना अच्छा करेगा वो आगे जाएगा और उनका जितना सपोर्ट रहेगा मैं करूँगा, ऐसे मैंने जितने भी है मेरे टाइम के बच्चों को उसको मौका दूँगा, अब जहाँ तक जितना मेरे से लगता है उतना मैं देने की कोशिश करूँगा। मैडम का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है आपको? ये मैडम प्रिंसिपल मैम जी, इन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया है। जब मेरे पास कुछ भी मतलब इतना नहीं था कि कोई बड़ा स्कूल नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैडम ने मुझे सपोर्ट किया, अपने स्कूल में मुझे जगह दिया, खड़ा किया मुझे, और बच्चों को जिस तरह मैंने भी ईमानदारी से मतलब काम किया, लेकिन मैडम को भी हमारा ईमानदारी काम देख के बड़ा अच्छा लगा। और मैडम ने हमको आज तक, मैडम का सपोर्ट हमारे पास आज तक है और आज तक मैडम हमसे याद की, तो मैं इनके बारे में कि बोल सकता कि मैम को उनका उनके बहुत बड़ा कैसा है कि उन्होंने आज तक उनको आगे मौका दिया और ऐसे इनकी वजह से ऐसे बच्चे हमको मिले कि जो आज आगे जा रहे हैं और यही वजह से आगे चल कर अच्छे अच्छे एक्टर सब बन सकते हैं। तो मैं जहाँ तक जितना महसूस हो गया मतलब तो रोचक और लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए CG24 न्यूज़। नमस्कार।